डॉक्टर सीएम के आदेश पर चिकित्सा विभाग के ठेंगे पर है। राजधानी के 28 अस्पताल ऐसे हैं जिन पर करोड़ों का राजस्व बाकी है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सभी संस्थाओं से नगर निगम को करोड़ों का बकाया चुकता करने के आदेश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके अभी तक किसी भी चिकित्सा संस्था ने बकाया नहीं चुकाया है। मनमानी का आलम यह है कि डिप्टी सीएम की चेतावनी के मियाद भी बीते 24 दिसंबर को खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक गृह कर जमा नहीं किया गया है, हाउस टैक्स नहीं दिया गया है। मामला सरकारी संस्थाओं से कर वसूली का है, इसलिए नगर निगम भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अपर नगर आयुक्त अमित कुमार के मुताबिक सभी सरकारी भवनों को 24 दिसंबर तक हाउस टैक्स जमा करने के लिए पत्र लिखा गया, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आया। अब समय सीमा खत्म होने के बाद हाउस टैक्स ना जमा करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी करीब 31 लाख रुपए का हाउस टैक्स बकाया है। इसमें 20 लाख रुपए केजीएमयू रजिस्ट्रार के नाम, 13 लाख रुपए डायरेक्टर लिम सेंटर के नाम और 16 लाख रुपए संक्रामक रोग हॉस्पिटल के नाम पर बकाया है। जिन अस्पतालों से हमारे पास डिमांड आती है हम उनको देते हैं उसका पैसा, तो जहाँ जहाँ से आती है हम दे रहे हैं। अभी कल ही कई अस्पतालों को दिया है, तो डिमांड भेजेंगे तो हम उसको पैसा देंगे। अभी तक जो डिमांड आई है अस्पतालों की तरफ से, तो क्या वो आप तक नहीं आई है? जितनी आई हैं उतनों को हम लोग दे दिया है, जो नहीं आई हैं वही बची हुई हैं।